दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कमलेश उपाध्याय हरिपुरी और आज की कहानी का शीर्षक है कर भला तो हो भला। कहानीकार हैं डॉक्टर भोला दत्त जोशी। सुनते हैं कहानी। मनुष्य में परोपकार, दया, उदारता, क्षमा, समानता, धैर्य, सृजनशीलता, खोजी दिमाग आदि अनेक सद्गुण हैं जिनकी बदौलत वह ईश्वर की उत्कृष्ट रचना कहलाता है। 20वीं सदी की उत्तरार्ध की बात है। उत्तराखंड के सुदूर में स्थित चीन की सीमा से लगे तत्कालीन जनपद पिथौरागढ़, जिसमें अलग हुआ इलाका अब चंपावत के नाम से जाना जाता है, में एक साधारण किसान परिवार में 20 दिसंबर 1953 को अद्भुत प्रतिभावान बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम भवानी दत्त रखा गया। कहते हैं कि जन्म के 11वें दिन नामकरण के उपरांत शिशु के हाथों में कलम आदि पकड़वाने की परंपरा के निर्वहन के समय बालक ने कलम और काठी का घोड़ा दोनों को स्पर्श किया। संकेत के रूप में यह माना गया कि बड़ा होकर बालक तकनीकी क्षेत्र में अच्छी पढ़ाई करेगा। बालक के पिता श्री दयाराम जोशी और माता श्रीमती बची देवी बड़े ही सरल स्वभाव के इंसान थे। बच्चे का लालन पालन सही तरीके से होता रहा। गांव में पढ़ाई की सुविधा न होने के वजह से उसे नैनीताल जनपद के वीर भट्टी की पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया। भवानी दत्त अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर चंपावत आ गए, जहां रहकर हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उसे इंटर कॉलेज में दाखिला लेने के लिए लोहाघाट जाना पड़ा। इस तरह पढ़ाई के हरेक पड़ाव में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि पाठशाला के कुछ बच्चे गरीबी के कारण कलम, पेंसिल और स्याही का खर्च तक नहीं उठा पाते थे, तो भवानी अपनी पाठ्य सामग्री में से अपने मित्रों को पेंसिल, स्याही आदि चीजें दे देते थे। एक बार भवानी अपने सहपाठी के घर गए, जहां उसके दादाजी से मुलाकात हुई। वे भवानी दत्त की सहयोग भावना के बारे में सुन चुके थे। वह स्वभाव से बड़े ही सज्जन पुरुष थे। उन्होंने भवानी दत्त के कान में धीरे से कहा था, कर भला तो हो भला। यह बात तब भवानी को ज्यादा समझ में नहीं आई, मगर उसे यह सुनकर सुकून का अनुभव हुआ था। भवानी दत्त की छोटी बहन दुर्गा और भाई हरीश ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। भाई बहन घर में उपलब्ध होने पर काम काज में माता पिता की मदद क्या करते थे। पिता दयाराम सामान्य खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। परिवार ने कठिन दौर झेला था, लेकिन मेहनत करने से किसी ने भी जी चुराना नहीं सीखा। माना जाता है कि अधिकांश पर्वतीय लोग मेहनतकश, ईमानदार और निष्ठावान होते हैं। सरकार द्वारा उन इलाकों को दशकों तक शहरी सुविधाओं जैसे सड़कें, बिजली, महाविद्यालय और अस्पताल आदि से वंचित रखा, तथा वहां की जनता ने अपने सहनशील रवैये को नहीं त्यागा। अतः बहुत वर्षों तक पिथौरागढ़ के उस इलाके में कोई भी डिग्री कॉलेज तक नहीं हुआ। यही कारण था कि भवानी दत्त को आगे की पढ़ाई के लिए वहां से दूसरे जनपद में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जाना पड़ा। उनकी इच्छा अभियांत्रिकी में स्नातक की पढ़ाई करने की थी, अतः भवानी दत्त जोशी ने वहां से सन 1976 में सिविल अभियांत्रिकी में बीटेक किया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि वह अपने इलाके के पहले इंजीनियर बने। भवानी दत्त जोशी स्वभाव से अपने माता पिता की तरह सरल, सकारात्मक, हंसमुख,
धैर्यशील, उदार और मेहनती थे। गांव में रहते वक्त वह घर के हर काम में हाथ बटाते थे। पढ़ाई की हर एक सीढ़ी उन्होंने अपने कठोर परिश्रम के दम पर ही पार की थी। पढ़ाई के दौरान अतिरिक्त काम कर जो कुछ धन कमाते थे उसे अन्य मित्रों की पढ़ाई के लिए दे देते थे। भवानी के मन में यह विचार बारंबार आता था कि कर भला तो हो भला। वे श्रद्धा भाव से इस वाक्य का चिंतन मनन करते थे। ऐसा करने से वे अपने अंदर आत्मबल महसूस करते थे। उनकी पहली नियुक्ति निर्माण निगम लखनऊ में सहायक अभियंता के पद पर हुई। इंजीनियर भवानी दत्त जोशी 1978 में सुयोग्य करुणा जोशी के साथ परिणय बंधन में बंध गए। इस स्वर्णिम घटना से मानो उनके भाग्य के द्वार खुल गए। कुछ समय के पश्चात ईश्वर ने उन्हें छाया और दिवेश के रूप में दो संतानें दी और जो सफल और उच्च मानक जीवन जी रहे हैं आज। इसके बाद हिमाचल लोक सेवा आयोग ने लोक निर्माण विभाग में उन्हें सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त कर लिया। भवानी दत्त जोशी ने सन 1989 में अपनी स्नातकोत्तर पद मास्टर ऑफ इंजीनियर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से अच्छे अंकों से प्राप्त की। आपने गांधीयन स्टडीज पर डिप्लोमा भी किया है। समाज के लिए मन में उत्पन्न निर्माणात्मक प्रवृत्ति उनके विचारों को प्रेरित कर रही थी। अब पीछे मुड़कर देखना उनके स्वभाव का हिस्सा नहीं रह गया था। मेहनत और लगन उन्हें ऊंचाई के अवसर पर देने हेतु आतुर थे। भारत सरकार ने उनकी कार्यशैली देकर उन्हें सन 1996 में जॉर्ज टाउन दक्षिण अमेरिका में विश्व बैंक के प्रकल्प पर भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन के साथ तकनीकी विशेषज्ञ के तौर पर काम करने का स्वर्णिम मौका दिया। देश वापस आने के पश्चात भारत सरकार ने उन्हें गुणवत्तापूर्ण काम की वजह से सन 2000 में राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण में तकनीकी विभाग का महाप्रबंधक बना दिया। कई सफल एवं प्रशंसनीय कार्यों के परिणाम स्वरूप उन्हें नीति आयोग ने राष्ट्रीय विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अनंतर इंजीनियर भवानी दत्त जोशी को हिमाचल सरकार ने मुख्य कार्यकारी अभियंता तथा सचिव के पद पर नियुक्त किया। निष्ठा से किए गए उनके कार्य एवं ईमानदारी के खातिर पूरे हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में फैल रही थी। इसके बाद हिमाचल लोक निर्माण विभाग में 2008 से 2011 मध्य मुख्य अभियंता के पद पर रहे। ज्ञातव्य है कि एक बार प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें लखनऊ के एक विशेष प्रकल्प के मार्गदर्शन हेतु दिल्ली बुलाया था। काम में कभी न थकने वाले इंजीनियर भवानी दत्त जोशी यद्यपि औपचारिक रूप से 2011 में सेवानिवृत्त हो गए थे, किंतु उनकी योग्यता का लाभ लेते हुए सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े कामों में आने वाले विवादों के निपटान हेतु आर्बिट्रेटर नियुक्त किया। देश को दी गई विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें हिंदी विद्यापीठ ने विद्यावाचस्पति से सम्मानित किया, उन्हें उपाधि से नवाजा गया। डॉक्टर भवानी दत्त जोशी ने बिना किसी भेदभाव के आजीवन सबकी मदद की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप जरूर हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।